सबसे जो अग्रिम साथी थे मजदूरों के अधिकारों को लेकर अग्रिम अधिकारों में रहते थे। जिनको एसपी ने, जिनको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्रो ने, जिनको जो है कर्नल धनीराम शांडिल जी ने सम्मानित किया। और इस सारे विषय को ये मजदूर जानते थे, आपको मालूम है पुलिस ने मजदूरों ने बताया था। प्रशासन के मांग कर रहे हैं आप लगातार CITU की ओर से आज जो है राजभवन आए हैं और आज जो ये प्रदर्शन अब कर रहे हैं। आपको मालूम है आज पूरा एक महीना हो गया IGMC के अंदर जो 20 सुरक्षा कर्मचारी थे आज भी उनको नौकरियों पर वापस नहीं लिया गया है। एक तरफ इन 20 सुरक्षा कर्मचारियों का मसला है, दूसरी तरफ जो कोविड वॉरियर्स है 200 के करीब है जिनमें से ज़्यादातर लोगों को आज भी नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है। इस सारे मसले को लेकर जो एक महीने से CITU के नेतृत्व में मजदूर आंदोलन कर रहे हैं और हमने शुरुआती दिनों में इस बात को रेखांकित कर दिया था कि अगर मजदूरों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन तेज होगा और इसीलिए IGMC से होते हुए, रिज से होते हुए आज राजभवन पहुंचे। हम इसलिए यहां पर आए क्योंकि हमने इस सारे विषय को IGMC के प्रबंधन से भी उठाया, ठेकेदार से भी उठाया, हमने शिमला के DC और SP के माध्यम से भी इस मसले पर हस्तक्षेप करवाने की कोशिश की और सरकार की तरफ भी इसका ध्यान हमने आकर्षित किया, मुख्यमंत्री महोदय से भी हम मिले लेकिन हमें न्याय नहीं मिला और इसीलिए आज जो राजभवन आए हैं। राज्यपाल महोदय से हमारी ये गुहार है, हम उनसे ये इल्तिजा कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है, हमारा एक विनम्र निवेदन है कि वो इसमें मसले में हस्तक्षेप करें। क्यों? क्योंकि IGMC के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। IGMC के अंदर जो राजनीति चल रही है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जहाँ मरीज जो अपना इलाज करवाने आता है, जिंदगी और मौत के बीच में जूझता है, वहाँ राजनीति का केंद्र बन गया है। पुराने और नए MS के बीच का जो टकराव था उसका खामियाजा आज कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है और जो नई कंपनी BI सिक्योर गार्ड, ये नियमों को दरकिनार करके इसको लाया गया। हमने आपके बीच में डॉक्यूमेंट्स प्लेस किए थे, 70 नंबर जो इवैल्यूएशन के थे जिसके आधार पर जो किसी को कंसिडर होना था ठेके के लिए, 70 में से 0 नंबर थे सिक्योर गार्ड के। फिर किस नियम के तहत जो है इनको ठेका दिया गया? दूसरी बार ठेका दे दिया, आज एक महीने के बाद भी ये ड्रेस नहीं दे पाए, जूता जुराब नहीं दे पाए, वर्दी नहीं दे पाए, कैप नहीं दे पाए, बेल्ट नहीं दे पाए। पेनल्टीज हैं ठेके के अंदर, वो एक एक पेनल्टी जो है वो आज उसको कैलकुलेट करेंगे तो आज 50 लाख रुपए से ज़्यादा पेनल्टी जो है फाइन बनता है। क्या वो कंपनी से लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये कंपनी जो है नियमों को दरकिनार करके लाई गई, इसके पास साधन ही नहीं है। इस ठेके में ये भी बात स्पष्ट थी कि 2017 से पहले की कंपनी होनी चाहिए, ये कंपनी बनी ही 2020 के बाद, इसको किस किस तरह से ठेका मिला, इनका इसका इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ है, ये सारे विषय हमने उठाए हैं। इन लोगों को निकालने का सिर्फ एक ही कारण था नौकरी से, क्योंकि ये सारे यूनियन के पदाधिकारी थे और आपने स्वयं 2 दिन पहले रिपोर्ट किया प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि पिछले जो ठेकेदार थे इस कंपनी से पहले भी, रेनबो कंपनी जो थी, उसने भी 6 महीने का पैसा खा दिया मजदूरों का, PF का, जो कि लाखों रुपए में। तब भी यही प्रशासन था, IGMC का यही प्रबंधन था, इन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी कि IGMC के अंदर खुली कमीशन खोरी चल रही है, चोरी चल रही है, पुराने ठेकेदार से पैसे खाए, इससे भी खा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं और जो मजदूर है उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने इन विषयों को उठाया था कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे अधिकार हैं श्रम कानून है वो लागू होने चाहिए। तो अगर ये विषय इन्होंने उठाए तो कौन सा गुनाह किया? और प्रशासन जानता था कि अगर इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो इनकी लूट जो है प्रशासन की और ठेकेदार की बदस्तूर जारी रहेगी, इसीलिए इनको टारगेट किया गया, नौकरी से निकाला गया, विक्टिमाइज किया गया। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि लेबर ऑफिस की भूमिका कोई नज़र नहीं आई पूरे मसले में, बहुत नज़दीक है लेबर ऑफिस शिमला के अंदर, इस मसले में DC SP साहब की कोई भूमिका नज़र नहीं आई, सरकार की कोई भूमिका नज़र नहीं आई, इसलिए मजबूर होकर जो है आज हमें राजभवन आना पड़ा। तो हम राज्यपाल महोदय से जो है निवेदन करेंगे कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, मजदूरों को न्याय दें, जो कोविड वॉरियर्स है उनको भी, और जो सुरक्षा कर्मचारी आज 20 से ज़्यादा नौकरी से बाहर है उनको भी नौकरी पर वापस लिया जाए। अन्यथा हमने जैसा ऐलान किया हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आंदोलन में,
हमने कहा है कि सत्याग्रह से होते हुए आंदोलन निश्चित तौर से उग्र होगा, जेल भरो भी होगा, चक्का जाम भी होगा, गिरफ्तारियों के कार्यक्रम में भी हम बढ़ेंगे, 144 तोड़नी पड़ेगी उसको भी तोड़ेंगे, और जो भी आंदोलन में करना पड़ेगा हम जो है अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं है। शोषण जुल्म अत्याचार के खिलाफ ये लड़ाई है जो जारी है और जारी रहेगी, और उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय इस सारे विषय पर जो हस्तक्षेप करेंगे और मजदूरों को न्याय देंगे।